अच्छा जी अगर इंटरनेट नहीं भी स्टेबल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डोंट वरी ये जो रिकॉर्डिंग आई आपको मिल जाएगी इसी वजह से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप इसको बाद में भी देख सकते हैं अगर यूट्यूब का कोई इशू बना दैन वी कैन सी कि हम इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं लेटर ले, ऑन अगर आपके पास इंटरनेट का ज़्यादा इशू हो रहा होगा तो आप वीडियो अपनी बंद कर दीजिएगा सिर्फ मेरी चलने दीजिएगा तो फिर मेरे ख्याल से कदरे बेहतर हो जाएगा सीन एक दो मिनट वेट करते हैं ताकि बाकी लोग हमें ज्वाइन कर लें इफ दे कैन ज्वाइन अदरवाइज वी विल स्टार्ट ठीक जी जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम नाइफ बेस के ऊपर काम करने वाले नाइफ बेस एल्गोरिथम जो है वो आपको पता है किस तरीके से काम करता है नहीं पता तो आज हम देखेंगे उसको और आप लोगों में से कितने लोगों को नाइफ बेस एल्गोरिथम के बारे में पता है नहीं भी पता नो प्रॉब्लम आई एम हेयर और आज हम देखने वाले हैं कि नाइफ बेस एल्गोरिथम क्या होते हैं और नाइफ बेस मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम किस तरीके से यूटिलाइज करके हम अपना जो मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन है वो हम कर सकते हैं मैंने लफ्ज बोला है क्लासिफिकेशन इसका मतलब ये है कि नाइफ बेस जब भी यूटिलाइज होंगे ये क्लासीफायर के तौर पर यूज होगा वी कैन नॉट यूज दिज फॉर दिस दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम फॉर रेग्रेसन ठीक है तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी नाइफ बेस की बात होगी वी विल कंसिडर दिस एज ए क्लासीफायर mm <clears throat> ठीक है मैं असल में ये देख रहा हूं कि बाकी लोग भी अगर आ जाए एक दो मिनट के अंदर तो फिर ही स्टार्ट किया जाए बजाय इसके कि मैं अभी से स्टार्ट करूँ क्योंकि इंटरनेट का इशू बन रहा है पाकिस्तान में लेकिन मेरे ख्याल से जैसे वो ज्वाइन जाएं करते जाएंगे हम अपना काम जो है तब तक स्टार्ट करते हैं ओके जी मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे एल्गोरिथम की जिसका नाम है नाइफ एंड बेस ठीक है नाइफ बेस नाइव क्यों लफ्स यूज किया जाता है इसमें और बेस क्यों है इन दोनों पे बात करते हैं नाइव का मतलब क्या होता है किसको पता है नाइव का मतलब क्या होता है लिटरल मतलब क्या है नाइव का मतलब केयरलेस नासमझ समथिंग नियर टू दैट ठीक है ना समझ इसको याद करवाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जो हमारी पाकिस्तानी गजलों के अंदर कूट कूट के भरी होती है कच्ची उम्र का इश्क तो कोई चीज कच्ची कच्ची होना मतलब ना तो वो पूरी तरह के तरीके से पक जाए और ना वो बिल्कुल भी जीरो पे हो मतलब ये कि कोई ना समझ चीज ठीक है अब बेस क्या है ये एक बंदे का नाम है जिस पे बेजियन थ्योरम बना था बेस थ्योरम भी उसे बोलते हैं बेस थ्योरम। थ्योरम का मतलब पता है ना मसले मसले जो होते थे ठीक है तो नाइव बेस जो है ये इसी से निकले ठीक है और आप ये भी कह सकते हैं कि जो नाइफ बेस एल्गोरिथम है इसके पीछे बेजियन थ्योरम जो है वो बेसिकली काम करता है ठीक है और बेजियन थ्योरम क्या होता है हम उसको भी देखेंगे लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि बेजियन थ्योरम को समझने के लिए यू शुड नो कि डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म की होती है प्रोबेबिलिटी क्या होती है मैक्सिमम लाइटलीहुड क्या होती है और किस तरीके से इन सारी चीजों को हम एक मशीन लर्निंग मॉडल में यूज करते हैं ठीक है थीके? अब ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ड्रेस वाइटेरियन मिनिस्टर थॉमस बेस ठीक है थॉमस बेस उनका नाम था ये उनका कोई टाइटल था उस वक्त ये एक मैथमेटिशियन थे ठीक है जिनका बेजियन थ्योरम था और इन्होंने सबसे पहले इस बेजियन थ्योरम को फॉर्मुलेट किया था बेजियन थ्योरम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ ये वही चीज है जो आप देख के परेशान हो रहे थे उस दिन के इक्वेशन सारी आ गई हैं साइकेट लर्न के अंदर उसको बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग एट ए गिवन कंडीशन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड थिंग एट गिवन कंडीशन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिर्फ और सिर्फ आपका एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन का थ्योरम है ठीक है और मशीन लर्निंग में जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके कोई चीज को फाइनलाइज करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं यूजुअली उस उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग जो प्रोबेबिलिटी पे बेस करें ठीक है उसकी एक प्रॉपर क्लास है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की जो सारे प्रोबेबिलिटी पे बेस करके आपको कुछ आंसर देते हैं और यूजुअली ये आंसर आपको क्लासिफिकेशन का देते हैं मतलब क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम का देते हैं प्रोबेबिलिटी को अगर हम मद्देनजर रखें ठीक है ये एक चीज को एक क्लास में डिवाइड करने के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बता रहे होते हैं ठीक है और मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी बताता हूँ वेजियन थ्योरियम की बट बिफोर दैट मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी क्लास है ना जिसके अंदर ये सारे के सारे एल्गोरिथम जो पाए जाते हैं मतलब कि प्रोबेबिलिटी की बेस पे जितनी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम पाए जाते हैं उनको भी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे एल्गोरिथम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी के बेस पे गिने जाते हैं सबसे पहले उसका नाम है जो प्रोबेबिलिटी की बेस पे एल्गोरिथम आते हैं उसके नाम है नाइफ बेस जो भी हम पढ़ रहे हैं ठीक है फिर हमारे पास एक और एल्गोरिथम आ जाता है जिसका नाम है गोशियन मिक्सचर मॉडल्स जी एम एम्स मिक्सचर मॉडल्स जी एम एम बोलते हैं ठीक है मैं ये ऊपर वालों को रिमूव कर देता हूं ये वाली बल्कि नहीं चलने देते हैं, फिर आगे ले जाएंगे उसे। गॉसियन मिक्सचर मॉडल इसको हम जी एम एम बोलते हैं ठीक है और इसके बाद हिडन मार्कऑफ मॉडल्स इसके बारे में आपने सुना होगा अगर आप कभी भी मशीन लर्निंग को पढ़ना स्टार्ट करें हिडन मार्क ऑफ मॉडल्स ये भी प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलते हैं इसको एच एच एम एच एम एम बोला जाता है ठीक है फिर नंबर फोर्थ पे अगर हम जाएं हमारे पास बेजियन नेटवर्क्स आ जाता है नेटवर्क्स नंबर पांच पे हमारे पास मार्कोव चेन मोंटी कार्लो मेथड्स आ जाते हैं ये थोड़े से मुश्किल नाम है लेकिन एडवांस uh, लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोबेबिलिटी के मॉडल्स हैं मारखोव ये मारखोव है मारखोर नहीं है सो प्लीज कीप इन माइंड मारखोव मार्कोव इसे बोला जाता है सॉरी फॉर दैट कार्लो चेन इंजीनियर्स यहां पे बैठे होंगे उनको इसका पता होगा बड़ी मशहूर मोन्टिकार्लो सिमेश मैथड बोला जाता है M -C -M -C जा, जा <coughs> इसके अलावा और भी है मैं बाकी नहीं आपको बताता सिर्फ ये बता दूं कि कुछ जो प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलते हैं ये पूरी क्लास है या फैमिली है

उसकी रीजन क्या है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं सिर्फ चल रही उसके बाद आपका सिग्मोइड फंक्शन भी चल रहा है सो नॉट ओनली प्रोबेबिलिटी इज ओवर देयर आर अदर थिंग्स तो जारी बात है जब आप साइंटिफिक दुनिया में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ साइंटिस्ट जो है एक चीज को अच्छा मानते हैं कुछ उसको ही बुरा कहते हैं सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस ओवर देयर हम बात कर रहे थे बेजियन थ्योरम की या बेज थ्योरम की ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक है इस थ्योरम को अगर हम गौर से देखें आपको समझाने के लिए कि बेस थ्योरम जो है ये हमें किस तरीके से मदद करता है किसी भी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सही है इसको अगर हम गौर से देखें तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करके बताता हूँ और यकीन माने कोड की दुनिया में अगर जाए तो ये तो एक लाइन ऑफ कोड में आप लिख देंगे कि मॉडल इज इक्वल टू क्वेश्चन नाइफ बेस एंड दैट सेट लेकिन आपको अगर समझ नहीं आएगी पीछे इसके क्या साइंटिफिक एल्गोरिथम्स uh, चल रहे हैं तो फिर आपको Uh, मैं मैं यही कहूंगा फिर आप वैसे ही हैं जैसे एक रोबोट काम कर रहा है उसको जितना बताया गया वो उतना कर ही जा रहा है वो पीछे साइंस नहीं देख रहा सो so, uh, मेरे ख्याल से थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो सीखनी चाहिए ना चलो एडवांस लेवल पे मैं नहीं लेके जाता बहुत एडवांस पे कि डिराइव करना पूरा मॉडल कैसे बन रहा है बट थोड़ी सी तो हमें सीखनी चाहिए तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वही चीज अच्छा ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन थिंग एट अ गिवन कंडीशन ये जो साइन है ना ये एट अ गिवन कंडीशन को शो करता है ठीक है जो पाइप का ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड थिंग एट द फर्स्ट कंडीशन फिर बाद में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये मैंने यहां पे लिखा है ठीक है ये आपका बेस थ्यूरम है बेसिकली इसके ऊपर नाइफ बेस सारा काम करता है बेस थ्यूरम थ्यूरम ठीक हो गया नाइन्थ की मैथमेटिक्स में अगर हम जाएं तो वहाँ पे मसाला करके कुछ चीज़ें आ रही होती थी और ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक क्वेश्चन आया कि मशीन लर्निंग को सीखने के लिए कौन सी मैथमेटिक्स की चीज़ों को देखना चाहिए मैंने रमज़ान के स्टार्ट में बताया था हम मैथमेटिक्स पे पूरी सीरीज बना रहे हैं और वो अपलोड भी हो रही है रोजाना के बेसिस पे अगर आप वही देखते जाएं तो हमने जीरो से स्टार्ट किया मतलब नाइन्थ के पहले जो मैथमेटिक्स आई थी एट्थ क्लास से वहां से हमने स्टार्ट किया और हम एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं सो so, अगर आप सीखना चाहते हैं तो दैट मैथमेटिक्स इज इन अदरवाइज आपको मैं यही कहूंगा कि नाइन टेंथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स आप सीख जाए तो ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी बट स्टिल आप डेटा साइंटिस्ट बन रहे हैं तो सारी बात है उसी से काम नहीं चलेगा यू हैव टू रीड मोर अब यहां पे मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि पी ए बी क्या है ये प्रोबेबिलिटी है कंडीशन ए की एट गिवन बी कंडीशन इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं पी ए फाय बी इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है एट गिवन कंडीशन किसी चीज का होने के चांसेस कितने हैं ठीक है, है? यहां पे आपको मैं एग्जांपल दूंगा आपको फिर समझ आ जाएगी बट फॉर नाउ कंडीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ए की कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ठीक है जब आपके पास गिवन हो इवेंट बी अगर इसको मैं उल्ट करता हूं तो ये क्या होगा फिर ये उल्ट हो जाएगा ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन इवेंट ए ठीक है अभी आपको समझ आ जाएगी जस्ट स्टे विद मी मैं सिर्फ वो जो मैथमेटिक्स का लिखने वाला रूल है ना वो कंप्लीट कर लूं कि सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखी होनी चाहिए चीजें फिर आपको एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ ये चल क्या रहे एस अब यहां पे आपको समझ आनी चाहिए प्रॉयर प्रोबेबिलिटी है ये प्रॉयर प्रोबेबिलिटी इवेंट होने से पहले उसके क्या चांसेस थे प्रॉयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग मतलब ये कि एक चीज के होने से पहले उसके कितने चांसेस चांसेस थे मिसाल इसकी ऐसे देता हूं हवा में सिक्का उछालेंगे तो उसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो हेड जाएगा दैट इज प्रोर प्रोबेबिलिटी ठीक है समझ रहे बात को फिफ्टी परसेंट चांसेस है उसकी दैट इज प्र्योर प्रोबिलिटी अब वो आता है या नहीं आता दैट्स अनदर थिंग उसके बारे में हम बात करेंगे इन दोनों कंडीशंस को देखते हुए बट फॉर नाउ द थर्ड थिंग जो हमारे पास बची है पी बी पी बी क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी ठीक है अब ये चार चीजें मैंने आपको यहां पे खोल के रखी हैं प्रोबेबिलिटी क्या चीज है प्रोबेबिलिटी है किसी चीज का करार होने के चांसेस होने के चांसेस इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूं आपके पास एक सिक्का है मैंने अभी उसकी एग्जाम्पल एक कोइन है उसके ऊपर या हेड्स होते हैं या टेल्स होते हैं ठीक है अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं ए की या बी की इसका मतलब ये है कि आपके पास यानी के हेड आने के कितने परसेंट चांसेस हैं पहले से आपको पता है फिफ्टी परसेंट चांसेस हैं इसका मतलब यह है कि अगर मैं छह दफा सिक्का ऊपर उछालता हूं तो सिक्के के हेड आने के कितनी दफा के चांसेस हैं तीन दफा के प्रॉर प्रोबेबिलिटी हमें यह बताती है और टेल जाने के कितने चांसेस हैं? फिफ्टी परसेंट वो भी तीन है ऐसे ही है या नहीं ये एक प्रोबेबिलिटी होगी। चांसेस अब एक दफा उछालने से उसका एक साइड पे आना भी परसेंट खेला है अब चेक करते हैं उसको उछाल के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एट गिवन इवेंट बी अब आपको मैं एक मिसाल और देता हूं कि आप छह दफा सिक्का ऊपर उछाल रहे हैं आपके पास कितनी दफा हेड्स आए और कितनी दफा टेल्स आए दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास एक चीज का अक्रेंस से पहले क्या चांसेस थे और अक्रेंस के बाद क्या चांसेस हुए वो ये बेजियन थ्योरम हमें कैलकुलेट करके बताता है इस इतनी सी इक्वेशन के अंदर यही चीज बताई गई है कि पहले क्या चांसेस थे हमारे पास और बाद में क्या हुआ अगर हमने कुछ फाइंड आउट करना हो ठीक है अब इसको फर्दर समझाने के लिए हम यहां पे एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं बड़ी आसान सी एग्जाम्पल है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आए मेरे पास एक रेयर डिजीज को डिटेक्ट करने का एक किट मौजूद है ठीक है एक रेयर डिजीज है रेयर डिजीज वो वाली डिजीज होती हैं जो दुनिया में किसी किसी को हो किसी किसी को मतलब आप समझ लें कि अगर मैं एग्जाम्पल इसकी दू तो प्रोबेबिलिटी है कि दस हजार में से एक बंदे को सही है वन ओवर टेन थाउजेंड ये है जी रेयर डिजीज मेरे पास ये इसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास ऑलरेडी कि दस हजार में से एक बंदे को होगी सही है अब अगली बात करते हैं अगर हम इसको मेडिकल टेस्ट को चेक करें और देखें कि एक बंदे के पॉजिटिव आने के कितने चांसेस हैं फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल देता हूं यहां पर यहां पे दस हजार में से एक को प्रॉब्लम है ये एक बंदा आया जैसा भी बने कबूल कीजिएगा इस बंदे ने टेस्ट करवाया बेचारे का टेस्ट निकल आया पॉजिटिव सही है एक बंदा आया उस रे डिजीज का उसने टेस्ट करवाया उसका टेस्ट निकल आया पॉजिटिव अब हमने देखना है कि इसको डिजीज होने के चांसेस कितने हैं कीप इन माइंड वी हैव प्रियोर प्रोबिलिटी एंड अ पॉजिटिव रिजल्ट ये दोनों चीजें याद रखिएगा अब अगर आप चेक करें कि इस टेस्ट के पॉजिटिव आने के चांसेस कितने थे और अगर वो कंपनी क्लेम करती है कि हमारी जो किट है वो निन्यानवे फीसद करेक्ट रिजल्ट देती है और एक फीसद उसके गलती के चांसेस हैं एरर के तो इसका मतलब यह हुआ कि ये नाइन्टी नाइन परसेंट ये बंदा पॉजिटिव है और वन परसेंट ये बंदा पॉजिटिव नहीं है राइट ये आगे टेस्ट की प्रोबेबिलिटी किट की उनकी हाई एक्यूरेसी यहां पे नजर आ गई आपको बात समझ आ रही है यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है यहां पे ठीक हो गया अब हम बेजियन थ्योरम के थ्रू इसको बेज थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं अब अगर हम यहां पे कहें ए इज इक्वल टू इसको हम कह देते हैं द पर्सन हैज दिस डिजीज द पर्सन हैज डिजीज और बी इज इक्वल टू कह देते हैं हम द पर्सन टेस्ट पॉजिटिव द पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव ठीक हो गया ए हमने ये कह दिया और बी ये कह दिया अब हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास पी आ जाए ए एट गिवन कंडीशन बी तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं इस चीज के ट्रू होने के इसका मतलब यह है कि इसकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है और यह हमें क्या बताएगी गौर कीजिएगा यह हमें यह बताएगी कि पर्सन हैज डिजीज गिवन द टेस्ट इज पॉजिटिव समझ आई बात की जो मैंने पिछले लग, पिछली स्लाइड में बोली थी पी ऑफ ए एट गिवन कंडीशन बी मैं वही बात यहां पे कर रहा हूं कि द पर्सन ए क्या कह रहा है द पर्सन हैज डिजीज गिवन ये गिवन है तो इसमें बोलता हूं गिवन द टेस्ट इज पॉजिटिव अब हम यहां पर चेक क्या कर रहे हैं बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट एंड द प्रोबिलिटी ऑफ हैविंग दैट डिजीज वी आर लुकिंग दैट कि सच में वो डिजीज शुदा है या किसी पुराने में कोई गलती हो गई है गलती के चांसेस और स्टेटिस्टिकलिस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं अब इस बात की समझ आ गई है द द द पर्सन हैज डिजीज गिवन गिवन टेस्ट इज पॉजिटिव इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं ऑफ ऑफ वन थिंग समथिंग कंडीशन जो हमारे पास बी थी समझ आ गई यहां पर एट ए गिवन कंडीशन हम ऐसे भी कह सकते थे कि पर्सन को डिजीज है कि नहीं है जारी बात है वो कहते हैं क्यों जी हम ये क्यों चेक करें क्योंकि उसका टेस्ट पॉजिटिव आया समझ आई अब इसको हम और और तरीके से चल चेक करते अच्छा जी अब अगर मैं वही वाली इक्वेशन में इस चीज को मैं मर्ज करूं जो हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली इसके अंदर अब वैल्यूज हम लगाते हैं और हमें समझ आ जाएगी कि प्रोबेबिलिटी हमने कैसे कैलकुलेट की है इसको सिंपली मैं कह देता हूं जी ए एट गिवन कंडीशन बी इज इक्वल टू अब यहां पे वैल्यूज हम पुट करना स्टार्ट करते हैं और वैल्यूज के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पे क्या चीज आ रही है P ऑफ प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय A अब हमारे पास ये उल्ट हो जाएगा वो क्या होगा उल्ट? वो ये कहेगा कि टेस्ट पॉजिटिव आया और डिजीज है ठीक है समझ रहे इस बात को कि अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो उस बंदे को डिजीज है कि नहीं इस कंडीशन को अगर हम चेक करें हमने उसको कैलकुलेट करना विच इज b of b slash a uh, pipe a and then we have to calculate a over pb इसको हम करेंगे ठीक हो गया हाँ जी अगर हमने ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है ए और बी के गिवन कंडीशन के ऊपर तो हमें तीन चीजें मद्देनजर रखनी पड़नी है कौन कौन सी चीजें पहली वन ओवर थाउजेंड हमने कहीं पे लगाना है राइट जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी उसकी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक डिजीज के होने की क्या है गिवन द टेस्ट इज पॉजिटिव तो ये आ गया वन ओवर थाउजेंड एक वैल्यू हमारे पास ये टेन थाउजेंड सॉरी सही हो गया अब पी ऑफ बी जो है ना इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी एक प्रॉपर इक्वेशन है ठीक है और उसकी अगर मैं इक्वेशन यहां पे आपके सामने लिखूं तो दैट इज समथिंग लाइक दिस ठीक हो गया और अगर हम इसमें वैल्यूज वगैरह पिन करें तो सिंपली ये कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की बेस पे हम चेक करते हैं कि किसी चीज का अक्रेंस का होना कैसे करार पाता है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग एट अ गिवन कंडीशन मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एट अ गिवन कंडीशन ए मल्टीप्लाइड बाय पी ओवर ए पी इनटू ए अब इसके अंदर अगर हम पी ए की प्रोबेबिलिटी चेक करें कि ये हमें बताएगा कि डिजीज नहीं है उसे ठीक है जो ये टिल्डा का साइन और ए लगाया हुआ है ना कि अगर डिजीज नहीं है

और वो ला क्या स्टेट करता है कि आपके पास सारी कंडीशन होनी चाहिए कि इस बंदे का टेस्ट पॉजिटिव आया और डिजीज़ के चांसेस कितने थे एंड देन आपके पास प्रोबेबिलिटी प्रायर टू हैविंग दैट डिजीज कितनी थी प्रोबेबिलिटी जब आपका टेस्ट नेगेटिव आया तब डिजीज कितनी थी कितने परसेंट थी और फिर आपको अगर डिजीज है ही नहीं है तो उसके कितने चांसेस थे तो ये सारी कंडीशन यहां पे देख के आपको कैलकुलेट करके देता है कि पी की बी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी यानी कि टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डिजीज की कितनी प्रोबेबिलिटी थी तो बेसिकली सिंपली आप इसी को उठाते हैं एंड देन आप प्लग इन करते हैं यहां पे जो हमारी मेन इक्वेशन है उसके अंदर ये सारी वैल्यूज को आप प्लग इन कर देते हैं एंड देन आपके पास एक प्रॉबिलिटी आ जाती है लेटमी फर्स्ट एंड आई विल एक्सप्लेन दिस आई नो के आप घूम रहे होंगे कि यह हो क्या रहा है जिसकी मैं वन सेकेंड में इसी वजह से सारी चीजें यहाँ पे लेके आ रहा हूं दिस इज समिंग वी गेट अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास दो लॉज आए हैं पहला हमारे पास बेजियन थ्योरम है बेजियन थ्योरम के अंदर लाव प्रोबेबिलिटी आता है जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि किसी चीज में डिजीज है या नहीं है वो इंसान के अंदर अब मैं यहां पे आपको दोनों कंडीशंस दोबारा से लिख के दे रहा हूँ ए इज इक्वल टू ये जो मैंने यहां पे लिखी थी द पर्सन हैज डिजीज डिजीज है बी इज इक्वल टू सिर्फ पॉजिटिव टेस्ट हुआ है अब अक्सर उकात ऐसा भी होता है कि ये जो टेस्ट है पॉजिटिव आता है ना तो इसकी परसेंटेज हमारे पास क्या आई थी वन परसेंट या नाइनटी नाइन परसेंट ठीक है वो कहते हैं अच्छा है, फिर हमारे पास डिजीज की जो आ, हमारे पास प्रोबिलिटी प्रयर है वो है हो गया। अब हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट जीरो वन यहां पर लिया है और वन ओवर टेन थाउजेंड लिया है ये प्रोबिलिटी इन दोनों चीजों को शो कर रही है ठीक है और फिर इसमें से जो माइनस हम कर रहे हैं चीजें कि फिर इसका मतलब यह है कि कितने बंदों को डिजीज होने के चांसेस है ही नहीं है नंबर और एट द एंड इन चीजों को प्लस करने के बाद हमारे पास ये एक प्रोबेबिलिटी आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ठीक है एक बंदे का पॉजिटिव टेस्ट होना पॉइंट जीरो वन चांसेज है उसके बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द डिजीजेस एंड देन इस बेस पे अगर हमारे पास लास्ट पे जो रिजल्ट आता है प्रॉबिलिटी ऑफ बी के बाद आफ्टर प्लगिंग द वैल्यूज इज दिस वन हमने यहां पर यह हमारे पास जो वैल्यू है That is off, okay. इसको मैं थोड़ा सा रेड में कर लेता हूं ये हमने कैलकुलेट करने थे कि प्रोबेबिलिटी क्या है अगर एक बंदा टेस्टेड पॉजिटिव है ठीक है हम यहां पे चेक कर रहे हैं कि वन परसेंट तो वैसे चांसेस अगर टेस्ट पॉजिटिव आ रहे ठीक है आउट ऑफ हंड्रेड यहां पे हमने लगा दिया कि प्रोबेबिलिटी प्रायर टू अकरिंग वो है वन ओवर टेन थाउजेंड और यहां पे हमने क्या लगाया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन बीइंग टेस्ट इज पॉजिटिव जो ये वाली पीवी थी इन तीन चीजों को लगाने के बाद हमारे पास एक बंदे के टेस्ट होने के बाद उसकी डिजीज होने के चांसेस पॉइंट जीरो जीरो नाइन नाइन है यानी के पॉइंट आते हैं ठीक है मतलब ये कि हम सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक बंदा बिल्कुल ही पॉजिटिव आ गया तो वो बंदा तो भाई उसे दूर हट जाओ नहीं वी हैव टू फाइंड आउट ये चांसेस कितने थे इस चीज के और यही बेजियन थ्योरम जो है वो हमें बताता है और यहां पे एट द एंड जो हम यहां से अखस कर सकते हैं जस्ट गिव मी वन सेकेंड अब स्टार्ट वाले पॉइंट पे जाते हैं वो ये हमें स्टेट किया था कि एक बंदे का अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है और उस डिजीज के होने के वन ओवर टेन थाउजेंड चांसेज है तो कितने परसेंट चांसेज कि है वो हमने कैलकुलेट किया the अच्छा, है क्यों लिखा है अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ जेंडर इक्वेलिटी आजकल जो बाहर सीन चल रहा है ना ही शी के अलावा काफी लोग हैं तो वो सभी को रगड़े में रख के कह देते ना ही कहते ना शी कहते हैं ना दे

कि अगर टेस्ट नेगेटिव होता तो कितने परसेंट चांसेस थे उस बंदे के बचने के वो सारी कैलकुलेशन के बाद एट गिवन कंडीशन वी फाउंड दिस रिजल्ट और ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहां पे बट इफ यू गो इन टू कोड यू विल सी ये इतना मुश्किल काम नहीं है ठीक है जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर या वैसे सो गए हैं सारे चले यहां पे ना हम क्या एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। और वो छोटी सी प्रैक्टिस ये है मैं यहां पे अपनी स्क्रीन को स्टॉप करता हूं यहां पे हम बनाते हैं ब्रेकआउट रोम्स और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मिलके चेक करें कि बेजियन बेस थ्योरम या थ्योरम भी बोल देते हैं बेस थ्योरम क्या होता है ठीक है और इसकी इक्वेशन कैसे काम करती है सही हो गया तो हमारे पास टोटल इक्कीस लोग हैं बीस इक्कीस लोग हम लोग तो मैं यहाँ पे तीन ग्रुप बना देता चार बना देता हूँ आपने आपस में डिस्कशन करके चलना है कि आपके पास बेस थ्योरम क्या होता है ठीक है वीडियो ना ऑन कीजिएगा क्योंकि नेट का मसला है आज पाकिस्तान के अंदर आप ऑडियो के ऊपर भी बात कर सकते हैं आई विल बी जंपिंग इन द ग्रुप्स और यहाँ पे मैं आपको ग्रुप में भेज रहा भेजना ओपन कर दिया मैंने रूम प्लीज अपना रिस्पेक्टिव ग्रुप जो है उसे चूज कीजिए और उसमें जाके जरा डिस्कशन कीजिए कैसे इक्वेशन को यूज करना है आप जी आप लोग सभी वापस आ गए होंगे आई नो के देर आरि क्वेश्चन सारी बात है एक थ्योरम है और मैथमेटिक्स से हम थोड़े से हाथ उठाए हुए हैं और उसकी रीजन की वजह से हमें कुछ समझ बूझ थोड़ी कम लगेगी लेकिन आ, अगर आप दो एग्जाम्पल्स देखें जो भी मैंने टेलीग्राम में भेजी है ना जी आप लोग सभी वापस आ गए होंगे अगर वो एग्जाम्पल्स आप एक एक दो दफा देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा बड़ी इजी एग्जाम्पल मैंने एक दी है टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर मैंने अभी भेजी है। वो फ्लिप कॉइन की एग्जाम्पल है अगर आप उसको गौर से देखें ना तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि, कि किस तरीके से बेजियन थ्योरम काम करता है या बेस थ्योरम काम करता है और वो एग्जाम्पल जो है ना अगर आपने देख लिया तो प्लीज उस पर मुझे कोई रिएक्शन दे दीजिएगा ताकि मुझे समझ आ जाए अदरवाइज आई कैन ऑल्सो पेस दैट एग्जाम्पल हियर ये वाली एग्जाम्पल है ये मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दी इसको अगर आप गौर से पढ़ेंगे ना तो इतनी जबरदस्त चीज़ है ना प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना और इतना आसान है कि फिंगर टिप्स पे आप कर सकते हैं बट एग्जैक्टली वही चीज़ कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी मैं घोल के तो पिला सकता हूँ लेकिन जितना मैं पिला पिला मतलब पिला सकता था मैंने आपको घोल के चीज पिलाई है और मैंने एग्जाम्पल आपको जो भेजी कॉइन फ्लिप वाली ये आपको और भी आसानी पैदा करेगी और इसको हम इनशाला कल को भी दोबारा देखेंगे बट बिफोर दैट मैं अभी आपको कोडिंग की जुबान के अंदर थोड़ा कुछ समझाना चाहूंगा रीजन ये है कि हमने जो अपना आज का टॉपिक है ना उसे भी तकरीबन पास पास लेके जाने। इस वजह से वी हैव टू लर्न दैट वन वेल। और यहाँ पे अभी आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये आपको नोटबुक मिल जाएगी नोटबुक नंबर फाइव जो है ना ये मिल जाएगी जो लोग में हैं उन्हें मैं की बेसिस पे ये नोटबुक भेज रहा हूँ जो मेरे पास होती है कोविड की अपडेटेड हो तो वो अगले दिन भी चली जाती है आप लोगों के पास सो so, इसके अंदर जो चीज हम देखेंगे वो एग्जाम एग्जाम्पल जो मैंने भेजी है उसको बाद में पढ़ लीजिएगा नो वरीज अभी जो चीज बता रहा हूँ वो प्लीज समझ लें इफ बेस एम एल मॉडल क्या होते हैं नाइफ बेस मशीन लर्निंग एलगोरिथम वो होते हैं जो बेस बेस थ्योरम के बेस पे काम करते हैं यानी कि इसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होती है एक रटी रटाई चीज अपने दिमाग में बैठा लें दीज एल्गोरिथम्स आर ओनली फॉर क्लासिफिकेशन सही है रीजन क्या है किसी एक चीज का होना उसकी परसेंटेज ऑफ प्रोबेबिलिटी या मैक्सिमम लाइटलीवुड की बेस पे ये काम चल रहा है सो नाइफ बेस इज अ सिंपल सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम naive bayes is a family of probabilistic algorithms primarily used for classification problem or this cannot be used for regression tasks the algorithms is based on applying bayes theorem and assuming conditional independence between features given the class labels कंडीशनल इंडिपेंडेंस यानी कि जब कंडीशन दे दी जाती है तो उस फीचर की इंडिपेंडेंस हो जाती है मतलब वो दूसरी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता दैट कंडीशन के और हम अगर एक फीचर को दूसरे फीचर से दूर कर दें तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब ये सिंपल मेथड है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का लेकिन इफेक्टिव मेथड है फॉर मेनी क्लासिफिकेशन टास्क कौन कौन से टेक्स डेटा को सेपरेट करने के लिए स्पैम फिल्टरिंग के लिए आपको भी पता है स्पैम कब आता है हमारे पास जब लिखा होता है डियर यूजर आपका इतने करोड़ों का इनाम निकल आया तो फौरन से वो घंटी बजती है ना दिमाग में कि ये अफ्रीका से ईमेल आया से से ये कहां से? तो हो सकता है इसके अंदर स्पैम हो तो आजकल स्पैम फिल्टर्स इसी के बेस पे ज्यादातर चल रहे होते हैं फिर सेंटिमेंट एनालिसिस इन तीनों के एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा फिर कोर्ट की मैं बुक आपको भेजूंगा आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे देन वी विल सी के uh, किस तरीके से ये काम करती है तीन मेन टाइप है इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं लेकिन तीन मेन टाइप्स हैं बाकी सारी टाइप्स इसकी एक्सटेंशन में आती हैं मतलब एम ही -E उसमें कोई प्लस माइनस लगा के कह दिया जी नई टाइप ठीक है तीन मेन टाइप्स में कौन कौन सी गोशियन नाइफ बेस अच्छा जब भी गोशियन का लफ्ज आता है मैंने कल भी आपको बताया था तो क्या होता है जी इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ठीक हो गया और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज की होती है बता नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा की होती है इसका मतलब अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा है एंड विच फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो कौन सी कौशियन कौन सी नाइफ बेस की टाइप आपने यूज करनी है कौशियन की ठीक है डेलग्रिथम इज यूज फॉर द कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल फीचर्स फीचर्स की बात हो रही है फीचर्स

गोशियन लाइफ बेस की मेन चीज होती है इसी वजह से हमें मीन और वेरियंस एस्टिमेट करना पड़ता है ट्रेनिंग डेटा क्योंकि नॉर्मल डेटा है उसका मेन और वेरियंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं यहां से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा ऐसे होता है ये इसका मेन हो गया और साइडों पे जो स्टैंडर्ड एवियशन होती है तो यहीं पे वो बात की गई है कि मीन और वेरिएंस एस्टिमेट करते हैं हम ट्रेनिंग डेटा का और उससे हम ये वाली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और ये गोशियन नाइफ बेस की खसूसी टाइप है ठीक है समझ आ गई थी यहां पर नेक्स्ट चलते हैं मल्टीनोमियल बेस, दिस एल्गोरिथम फॉर डिस्क्रीट काउंट डेटा नॉमिनल डेटा का पता है आपको मल्टीनोमियल क्या होती है चीज जिसमें आपके पास नॉमिनल डेटा बार बार आए यानी कि डिस्क्रीट डेटा एक दो तीन मतलब पॉइंट्स में ना हो और वो काउंट का डेटा हो डिस्क्रीट बट काउंट डेटा सही है जैसे वर्ड काउंट कितना है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में समथिंग लाइक दैट तब हम मल्टीनोमियल नाइफ बेस यूज करते हैं ठीक है और इसमें आपका क्या है आप मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं. सही है ऑब्जर्विंग अ फीचर काउंट यानी के फीचर का काउंट चेक करना है एट गिवन क्लास लेवल वही कंडीशन के क्लास का लेवल क्या आ रहा है हमारे पास यानी के क्लासिफिकेशन की जो क्लास है एक जीरो वन टू कोई भी क्लास है उसका लेवल कितने फीचर्स के गिवन पे आ रहा है फिर तीसरी होती है बर्नॉलिज नाइफ बेस बर्नॉलिज नाइफ बेस में डिस्क्रीट काउंट डेटा होता है सच एज वर्ड काउंट सिमिलर टू दिस वन बट द फीचर डिस्क्रीट हो और बाइनरी हो फीचर्स के अंदर तो हम बर्नॉलिज नाइफ बेस को यूज करेंगे अब ये वजह क्या है बर्नॉली क्यों कब यूज करनी है नॉर्मल कब यूज करनी है मल्टीनोमियल कब यूज करनी है उसकी मैंने बड़ी एक, एक अच्छी नीचे एग्जाम्पल आपको दिखाई है यहां पे अगर आप इसको गौर से देखें ना तो ये वाली जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है समझ आ आगे बड़ी इजी बर्नॉलीस में मैंने आपको बाइनरी बताया तो इसमें ना दो ऐसे कर्व्स बन जाती हैं आपके डेटा जब डिस्ट्रीब्यूट होता है ना तो आपके पास दो करोड़ बन जाती दैट इज वाई इसको हमने बोला है कि जब आपके पास बाइनरी डेटा होगा फीचर्स के अंदर और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बर्नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगी ठीक है तीसरी मैंने मल्टीनोमियल बताई आपको इसमें हर एक चीज का काउंट होता है तो इसमें कितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बन जाती ठीक है इसमें कभी भी एक ट्रेंड नहीं बनेगा क्योंकि डिस्क्रीट काउंट है लेकिन आपके पास इस तरीके से काफी ज्यादा क्लासेस की डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी So usually ये तीन किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है अगर आपका डेटा इन तीनों में से किसी को फॉलो कर रहा है यू कैन यूज दैट काइंड ऑफ एल्गोरिथम अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर इन तीनों का मिक्सचर आ गया तो क्या करेंगे कि एक फीचर ये वाली फॉलो कर रहा है दूसरा किसी और को तीसरा किसी और को फिर हम क्या करेंगे एट दैट स्टेज हमें यह कहा जाता है कि आप तीनों की तीनों को यूज करके बेस्ट को चूज कर लें ठीक है जिसको कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम्स भी बोला जाता है वी विल सी दैट इन अ मिनट अब आगे चलते हैं कंप्लीमेंट नाइफ बेस एक और किस्म है लेकिन ये एक्सटेंशन है मल्टीनोमियल की दैट इज डिजाइन टू हैंडल इम्बैलेंस डेटा इम्बैलेंस डेटा क्या है वेयर वन क्लास हैज सिग्निफिकेंटली फ्यूअर ऑब्जर्वेशंस देन अदर मतलब अगर कैट्स की बात की जाए तो उसकी ऑब्जर्वेशंस कम है डॉग्स की ज्यादा तो तब हम इम्बैलेंस डेटा सेट के लिए कंप्लीमेंट नाइफ बेस को यूज करते हैं इसके अंदर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो की जाती है एंड बिकॉज दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीनोमियल मल्टीनोमल ठीक है अब कैसे इसको कोड uh, में लेके आना है उसको हम देखते हैं जी यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट या कोई मतलब ऐसी बात जो अभी तक समझ नहीं आई चले होपफुली अच्छा ही लग रहा होगा आपको अब कोडिंग की तरफ चलते हैं आपका बेस्ट पार्ट यही है हमने आयरस का डेटा सेट डाउनलोड किया यहां से ट्रेन टेस्ट सपलेट किया और मैंने ये चार के चार नाइफ बेस के एल्गोरिथम सारे के सारे यहां पे इंपोर्ट कर लिए फ्रॉम फ्रम एस के अंदर नाइफ बेस की क्लास है और सिर्फ एक्यूरेसी स्कोर की बेस पे मैंने बेस्ट और वर्ड्स को चूज करूंगा ठीक है यहां पे हमने टारगेट एक्स और वाई को सेपरेट कर लिया जो काम हमने कल किया था और यहां पे हमने ट्रेन टेस्ट सप्लेट कर लिया सेवनटी थर्टी की बेस पे ठीक है अभी मैं अगर तेज तेज चलूं तो कोई मसला तो नहीं है ना समझ आ रही है ना चीजों की क्योंकि आप लोग अभी बड़ी देर से इस पे चल रहे हैं मैं बच्चों की तरह तो बताने से रहा ना कि एक्स क्या होता है फीचर्स क्या होते हैं क्योंकि आप अब एडवांस लेवल पे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए फिर मैंने क्या किया अब यहां पे एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन चीजें की आने लगी है वो ये है कि जब आपने गोशियन नाइफ बेस को यूज किया मैंने उसका जीएन भी नाम दे दिया मल्टीनोमियल का मल्टीनोम बी एन बी और कम्प्लीमेंट एन बी को मैंने क्या दिया सी एन बी का ये चार मॉडल्स को मैंने इनिशियलाइज कर लिया यहां पे इकट्ठा ठीक है मैं बार बार नहीं सभी को लगाऊंगा एक ही दफा लगाने वाला हूं मैंने चार को इनिशियलाइज किया चारों को यहां पे मैंने ट्रेन कर दिया डेटा पे सेपरेटली क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेटा किसी भी किस्म का हो यू कैन सी के कौन सा अच्छा काम कर सही है? फिर अब प्रडिक्शन करनी है तो मैंने चारों की सेपरेट प्रडिक्शन कर ली एक्स टेस्ट में फिर मैंने अगर कैलकुलेट करना है एक्यूरेसी स्कोर तो मैं यहां पे यूज कर लूंगा ठीक है फिर अगर मैंने एक्यूरेसी स्कोर को प्रिंट करना मैं इस तरीके से वो कर लूंगा इसमें फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं मैंने अभी जान बुझ के नहीं ऐड किया क्योंकि वो आने वाले दिनों में मैंने आपको बताना है तो आपको वो समझ आ जाएगी तो मैं एक काम चार चार दफा कर रहा हूँ एंड दैट एग्जैक्टली वी कैन डू इन डिफरेंट वे वो फॉर लूप के थ्रू है मैंने एट द एंड क्या किया बेस्ट मॉडल चूज किया मैंने क्या किया बेक्स बेस्ट स्कोर से डाउन स्कोर तक आ गया और मैंने बोला कि जनाब मेरे पास जो बेस्ट मॉडल है ना मतलब मैक्सिमम हो इन सभी का वो ऊपर आ जाए ठीक है उसमें से फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया बेस्ट मॉडल की स्ट्रिंग जो मैंने इंडेक्स है है वो वन दे दिया ठीक और एक्यूरेसी का भी एक जीरो दे दिया यहां पे सिंपली इसको मैं रन करता हूं तो मेरे पास क्या होगा हर किसी का मेरे पास एक्यूरेसी स्कोर आ जाएगा ठीक है और मेरे पास जो बेस्ट मॉडल है उसका भी नाम आ जाएगा तो पॉइंट नाइन सेवन इज देयर अब यहाँ पे क्यों मेरे पास गोशियन नाइफ बेस बेस्ट आया है आपको आयरस के डेटा सेट का पता है एक्स में मेरे पास क्या क्या है और वाई में क्या क्या हो सकता है अगर हम इसको देखें गौर से तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह थी कि गोशियन नाइफ बेस अच्छा परफॉर्म किया अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो शायद आपको समझ आ रही हो क्योंकि डेटा कॉन्टिन्यूस है में में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब डेटा कॉन्टिन्यूस होगा तो आप क्वेश्चन और यह चीज आपको यहां पे क्लियर हो गई है फर्क इतना नहीं पड़ रहा लेकिन आप देखें मल्टीनोमियल का भी चलो ठीक है समझ में आती है उसके करीब करीब है ये बर्नोलीज को क्या हुआ पॉइंट टू एट इसने क्यों दिया भला रीजन क्या हो सकती है डेटा अगर बाइनरी होता तो बर्नॉलेज लगता ठीक है जीरो वन में अगर होता और नॉमिनल होता तो अब मल्टीनोमियल जो है हमारे पास इसकी पॉइंट नाइन फाइव आई हम तो कहेंगे ये ठीक है लेकिन अजम्पशन ये कहती है कि इफ द डेटा इज कंटिन्यूस यू कैन नॉट यूज मल्टीनोम ठीक है और कहां बर्नॉलेज वहां पर सूट करता है जहां पर जीरो वन का डेटा हो ठीक है कॉम्प्लीमेंट नाइफ बेस क्या होगा कहां पे लगेगा जहां पे मल्टीनोमियल की एक्सटेंशन है अगर मल्टीनोमियल के एक्जम्पन पूरी नहीं हो रही तो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं लगा सकते तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी कि क्यों हमारे पास सभी में से ये बेस्ट आया बेसिकली ये बेस्ट मॉडल जो है ना यहाँ पे हमने यहाँ पे मैक्सिमम का लगा के एल्गोरिथम और यहाँ पे इसके अंदर हमने एक डेटा सेट एड किया है ठीक है हर किसी के स्कोर का हर किसी के स्कोर का ऐड करके मैक्सिमम उसका यहाँ पे लिखा और मैक्सिमम में से हमने जो पहला इंडेक्स था या, या पहला जो हमारे पास आ रहा था वो हमने यहां पे प्रिंट किया दैट इज वाई वी आर हैविंग दिस स्मॉल चंक ऑफ कोड जो यहां पे हमें शो कर रहा है कि बेस्ट मॉडल ये है बाय द वे ये कोड भी आपको मिल जाएगा सो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर अच्छा जी अब अगली चीज पे जाते हैं बाय द वे मैंने आपको बताई है कि इसकी काफी और भी टाइप्स हैं अभी एक कमेंट आ रहा था कि कैटेगोरिकल नाइफ बेस और आउट ऑफ कोर नाइफ बेस मॉडल फिटिंग हम कब करेंगे करेंगे या नहीं करेंगे वी विल सी दैट लेकिन आज जो मैंने आपको बताई है मैं पहले उसके बारे में आपको समझा दू एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड अच्छा जी यहां पे अब अगर मैं आप चेक कीजिएगा यहाँ पे मेरे पास ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कितना था सेवनटी थर्टी मैं इसको बढ़ा के फिफ्टी फिफ्टी करता हूं यहां पे रन करता हूं सेम मैंने यही चेंज की एक्यूरेसी स्कोर कहां पे गया जी 98 इसका हो गया 97 इसका 30 69 अभी भी हमारे पास क्वेश्चन बेस्ट है अगर मैं इसी को 80 20 करूं तो क्या होगा एक्यूरेसी स्कोर जो है वन हो गया इसका इसका मतलब क्या हुआ आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के आप बेस पे भी आपके एक्यूरेसी स्कोर मैच चेंज करते हैं सॉरी मैच नहीं चेंज करते हैं सही है सो यू कैन एक्चुअली प्ले विद इट अगर आप कोई असाइनमेंट वगैरह किसी को सबमिट करवा रहे हो ना कि एक्यूरेसी स्कोर क्यों नहीं इंक्रीज कर रहा सो यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस ट्रिक एज वेल तो सत्तर से अस्सी uh, के दरम्यान दरम्यान आप कोई भी चीज यूज कर सकते सो टू यू अगर मैं इसको थर्टी कर दूं टेस्ट साइज को चेक करें क्या चल रहा है

सिर्फ आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एसके लर्न के अंदर कैसे काम करती है लेटर ऑन वी विल सी दिस दिस थिंग्स हमने यहाँ पे डेटा सेट में ये वाला ट्वेंटी न्यूज ग्रुप का डेटा फेच किया ठीक है सिंपली जैसे आयरस का था ना इसी तरीके से इसका किया फिर यहाँ पे फीचर एक्सट्रेक्शन डॉट टेक्स्ट इस क्लास से हमने ट्रांसफॉर्मर और काउंट वैक्टराइजर ये हमने दो चीजें ली टी एफ आई डी ये जो क्या चीज होती है इसके बारे में ट्रांसफॉर्मर टैक्स को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है वी विल लर्न दिस लेटर ऑन लेकिन अभी सिर्फ एप, आपको एक आइडिया देने के लिए कि आप इस तरीके से अपना डेटा डाउनलोड करके न्यूज ग्रुप का डेटा ये टैक्स का तो टैक्स के डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हैं सेम वही सारा प्रोसीजर है आपको सिर्फ एक वैक्टराइजेशन और टोकनाइजेशन इसमें करनी पड़ती है वो जो कंसेप्ट है इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा बट एट द एंड आप ये टेक्स क्लासिफिकेशन के ऊपर ये वाला एनालिसिस करके इसकी भी एक्यूरेसी चेक कर सकते अदर एप्लीकेशन नोटबुक भेजूंगा किसी को जरूरत हो तो इसको देखने की तो इसको सेव रखिएगा बाद में हम इसको करने वाले हैं जो मेन चीज मैंने जिस वजह से ये स्टार्ट किया ना वो ये है कि मैंने आपको बोला नाइफ बेस आपका सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकता है कि आपने जो फिकरा बोला है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या क्या है ठीक है इसके अंदर वही सारा कुछ यूज करके हम एक मॉडल ट्रेन भी कर सकते हैं लाइक दिस ट्रेन करने के बाद हमारे पास हर का प्रोसीजन को रिकॉल रेफर अब यहां पे अगर आप चाहें ना तो मैट्रिक्स के अंदर एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट के नाम से एक मॉड्यूल होता है फंक्शन अगर आप इसको यूज करें ना क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ टेबल हियर की रिपोर्ट क्या आ रही है आपके पास ठीक है तो इसको ट्राई करके देखिएगा एंड देन अगर आपने अपना सेंटिमेंट चेक करना है या कोई भी

और वो सारी बात है वो बाइनरी सेंटीमेंट में जाता है पॉजिटिव है या नेगेटिव तो मैंने जब इसको रन किया इट इज पॉजिटिव अगर आप यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीजें लिखेंगे तो ये नेगेटिव देगा ठीक है अगर मैं यहाँ पे लिखू आई हेट दिस मूवी और अगर स्टिल ये मुझे कहे कि ये पॉजिटिव है तो देर इज समथिंग रॉन्ग इन द क्लासिफिकेशन लेकिन ये मुझे कह रहा है नेगेटिव है अगर मैं यहाँ पे लिखू मूवी वॉज सिक अगर किसी को पता है कि ये क्या चीज यहाँ पे लिखी गई है ये कह रहे हैं नेगेटिव है, लेकिन स्लैंग लैंग्वेज अगर आपको पता है स्लैंग होते हैं तो यू शुड नो वो एक लफ्ज है पंजाबी अगर कोई है उसको पता होगा जेंगो ये मूवी जेंगो थी तो उसको तो नहीं ना पता क्या है तो वो उसको नेगेटिव ले रहे हैं सो देर मेनी मेनी थिंग्स आउट देयर जो स्लैंग है वो एन एल पी के अंदर नहीं जा सकता है कि so जो है वो totally different दुनिया, क्योंकि आप टेक्स्ट के साथ काम करते हैं यू शुड लर्न सम्स जो यहाँ पे ईडी और इधर उधर की चीजों में नहीं देख सकते ठीक है अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ ये तो कर लिया हमने इंग्लिश का पूरा डेटा और उसपे सेंटिमेंट एनालिसिस अगर आप उर्दू लैंग्वेज को कर लेना सेंटीमेंट पे बैठे हुए हैं ना आजकल लोग ट्रेंड्स बना रहे उर्दू लैंग्वेज के अंदर और इधर उधर की चीजें आप उनके सेंटिमेंट्स को भी चेक कर सकते हैं things, है? हमारे uh, uh, के हमने था, उसमें हमारी एक टीम थी वो लेके आए थे ट्विटर सेंटीमेंट अनिस ट्वीट का सेंटीमेंट एनालिस उन्होंने एक एपीआई की थी ट्विटर के ट्वीट डायरेक्टली फेच होते थे हंड्रेड प्लस एक बंदे के अगर मैं अपनी आईडी लिखूं तो मेरे ट्वीट्स आ जाने थे फिर वो बताता था कि कितने परसेंट ट्वीट्स इसमें से पॉजिटिव है कितने परसेंट नेगेटिव है सो दिस इज समथिंग कि आप डेटा को एक जगह से पकड़े ये वाला एल्गोरिथम ट्रेन है इसको रन करें और आउटपुट दे दें परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करके सो दैट्स यू कैन डू एज वेल तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस आप कर सकते हैं ये वाली मैं नोटबुक आपको भेज दूंगा एंड इट्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड जारी बात है एनएलपी की अभी आपको समझ नहीं आएगी बट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे हम काम कर सकते हैं और आज का जो आपका काम है वो ये है कि आपने बेस थ्योरम को अच्छे तरीके से समझना है मैंने दो एग्जांपल आपको भेजी हैं आप चैट जीपीटी पे जाके उसको अच्छे से समझे उससे बोले चैट जीपीटी को मैं पांच साल का मुझे बताओ भी कैसे इसको समझना है वो आपको बताएगा अगर नहीं बताएगा तो मुझे बता दीजिएगा अगर किसी के पास चैट जीपीटी प्लस की सब्सक्रिप्शन नहीं पड़ी हुई जस्ट कॉन्टेक्ट में आई कैन गिव यू दैट वन तो कोई मसला नहीं है ऐसा लेकिन अगर आप कोई पंद्रह सौ दो हजार नहीं खर्चना चाहते कोई मसला नहीं मैं खर्च देता खर्चे आप मेरे से ले लीजिएगा फ्री में नहीं है बाद में कभी आपको लगे कि अच्छा लग रहा है तो फिर कर लेंगे हम इसका कुछ उसकी रीजन ये है कि यार आप लोग ना अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है और दुनिया से मुझे याद आया एक नई एक्सटेंशन डेटा रेंगलर के नाम से है और हमारे मोहम्मद अली साहब ने भी इसे शेयर किया हुआ था डिस्कॉर्ड के अंदर किसी ने रिएक्शन नहीं दिया इस पर मैंने कहा चलो मैं जब भी आपको बड़े डेटा पे बताऊंगा काम तो तब आपको ये एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा दिस एक्सटेंशन इज से ठीक है तो ये स्लैंग है सिख का मतलब है यार बहुत ही जाबू चीज है अब म, 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 मेरे पास अल्फाज नहीं उर्दू के स्लैंग मुझे कम आते हैं तो ये एक्सटेंशन करती क्या है आप सिंपली डेटा रेंगलिंग पे जाए आप वॉक थ्रू पे भी जा सकते हैं सिंपली ओपन डेटा रेंगुलर आप इसे ओपन करें और यहाँ पे कोई भी डेटा आप लेके आ सकते हैं अगर नहीं करना तो आप ट्राई विद टाइटेनिक डेटा सेट कर लें ओपन द टाइटेनिक डेटा मैंने यहाँ पे ओपन किया ये कुछ इस तरीके से आपको ना व्यू देने लग जाती है अगर आपने यूज नहीं किया इसे तो क्या होता है जनाब इसमें इंडेक्स आ गया ये आपके पास मिसिंग वैल्यूज आ गई इसकी हर कॉलम का पूरी की पूरी डिटेल आपके पास आ रही है जैसे आपको पहले भी दो तीन एक्सटेंशन मैंने बताई है वो भी ये काम करती है ये भी ये वाला काम करती है मजे की बात यह है कि आप यहां पे ड्रॉप डुप्लीकेट करेंगे यहां से सिलेक्ट करें कॉलम जिसके डुप्लीकेट ड्रॉप करने और वो ड्रॉप कर दें तो कोड यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा एंड देन यू कैन चेक सॉर्ट एंड फिल्टर देर आर मैनी मैनी थिंग लेफ्ट साइड ठीक है इसको यूज करने का फायदा ये है कि बड़े डेटा सेट पे आपको पूरे का पूरा कोड यहाँ पे मिल जाएंगे मतलब, yeah, क्यों नहीं यूज करें हम अगर हमें चीजों का पता है तो बाकायदा वी एस कोड वालों ने इस बंदे ने जिसने इसकी एक्सटेंशन बनाई है उसको हाईलाइट किया और उसका इंटरव्यू लिया और उस बंदे ने आके इस, इस वी एस कोड की एक्सटेंशन को आपके सामने बताया नाम है इसका डेटा रेंगुलर और ये प्रीव्यू में है अभी प्रीव्यू का मतलब होता है कि अभी नई मतलब नहीं, नहीं आई है तो अगर आप इसे यूज करना स्टार्ट करें देर मेनी थिंग्स आउट देयर कुछ चीजें मैं मतलब आपको नहीं बता पा रहा ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम लेकिन आप प्लीज इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा एक तो ये होगी एक्सटेंशन दूसरी एक टैब नाइन के नाम से है लेट मी सी टैब नाइन यहाँ पे है या नहीं है यस टैब नाइन ए आई आउट्लीट फॉर जावास पाइथन टाइप स्क्रिप्ट पी एच पी And many more. तो खैर तो दे हाँ मतलब तो बुक्स वगैरा पड़ी हुई है इस वजह से यहां तक पहुंचेगा चलो चैट जीपीटी को कर सके लेकिन एट दी एंड चैट जीपी टी भी कई गलतियां ब्लेंडर मारती है बीच में तो उसको फिर प्लस माइनस हमने देना होता है उसकी मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए सो दीज आर द एक्सटेंशन जो आप फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं रही बात नाइट बेस की ये वाला कोड सारे का सारा अभी आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर आप प्लीज इस कोड को भी देखिएगा और बेजियन थ्योरम को भी बेस थ्योरम को भी देखिएगा एंड के मैंने बताया था पहली है हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उसके आंसर दे रहा हूं पहली हमारे पास है कोडियम ए आई के नाम से भी एक आ गई है लेकिन मैं तो कोई और ही यूज करता अच्छा चेक करें एक हिट होती है ना दूसरी एम ही साथ में उसका थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करके अपनी बना देते हैं कोई दुनिया ऐसे चल रही है खैर और कोडियम का चैट फीचर आ चुका है आ, चले मैं आपको वो भी दिखाई देता हूँ आई एम कोड आई एम कोडियम ए आई इसका चैट फीचर आ गया हुआ है कोडियम ए आई का पता नहीं कैसे चलाया था मैंने मुझे याद नहीं आ रहा नहीं इसको बाद में देखेंगे मतलब आप बकायदा ना इसके साथ चैट कर सकते हैं यस इट्स कमिंग इट्स कमिंग सेड अंग्रेजी दे लोग कहता साइड पे आ रहा होगा मैंने कहा यस इट्स कमिंग ये चेक करें मैंने कोडियम के की एक्सटेंशन किया है इसका नाम है को सी ओ डी ई आई यू एम इसकी फ्री है टोटली फ्री रहनी है आप ऑनलाइन इसको लॉग इन करके यहाँ पे फैच कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोडियम चैट ओपन हो गई है आप यकीन मैंने यहाँ पे आपने लिखना है इसने आंसर दे देना है सो देर आर मेनी मेनी थिंग्स जो आप यहाँ पे इसके साथ कर सकते हैं और ये आपको कोड एक्सप्लेन करके दे सकता है छोड़ बातें नहीं मैंने यहाँ पे इससे पूछा था कि हाँ भाई एस टी मैंने अपनी वेबसाइट बनानी है तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ उसने वहाँ से आंसर दिया हुआ था मैं इसको क्लियर करता हूँ चेक करें ChatGPT की तरह ही काम कर रहा है लेकिन अच्छे तरीके से हाईब चैट GPT ने पकड़ ली इस तरह के काफी एल्गोरिथम आ हाँ चुके हैं ये कोड आ गया सिंपली कॉपी यहां से करें पेस्ट करें ये मैंने कुछ और ही पेस्ट कर दिया ये कॉपी क्यों नहीं कर रहा कोड आ गया, गया। उसने फंक्शन कर दिया फिट प्लॉट एक्स एंड वाई पे ये उसने फंक्शन मुझे बना के दे दिया और ये कोड बन चुका है बाकी आप इसको खुद से एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी समझ आ जाएगी इसके अलावा भी काफी एक्सटेंशंस आ रही हैं और एक बात आपको बता दूं एआई बहुत आगे चली गई है और इंशाल्लाह मैं अभी दोबारा से वापस आने लगा रील्स बनाने पे

पाकिस्तान में ऐसे भी लोग हैं पाँच में भी चैट जी दे देते हैं लेकिन वो जारी बात है बंद हो जाता है जल्दी और आप लोग प्लीज कोशिश करें अगर 1500, 2000, दो हजार के करीब कोई से चैट जीपीटी मिलता है तो आप वहां से लें प्लस की सब्सक्रिप्शन उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट करें क्योंकि ये कम से कम दो माह तो चलाए ना अगर नहीं किसी के पास पैसे एंड दे कांट अफोर्ड इट जस्ट लेट मी नो मैं आपको फ्री में भेज दूंगा कोई ऐसा मसला नहीं है सो ट्राई टू यूज़ इट तो आप उसको यूटिलाइज करें प्लग के फीचर सिर्फ कुछ लोगों को मिल रहे हैं जो प्लस सब्सक्रिप्शन वाले हैं सभी को नहीं मिल रहे और आप यूटिलाइज करें उसे इसके बाद वो प्लग जितने भी आए हाँ हैं मेरा एक्टिवेट होने वाला है इनशाला कुछ दिनों के अंदर वो जो प्लग का फीचर है तो इनशाला मैं आपको शो भी करवाऊंगा कि कैसे दुनिया आगे जा रही है और कैसे आप सारी चीजें इनशाला जल्दी सीख सकते हैं अपनी दुआ में याद रखें मेहनत करते न कोड भेज रहा हूं आपको नाइव बेस को तरीके से पढ़ लीजिएगा के थ्रू मुझे पता है है मुश्किल आई कैन अंडरस्टैंड दैट लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर आप बैठ जाए ना एक दफा कि मैंने करके उठना है फिर नहीं मुश्किल होता अगर आप ये सोच के बैठेंगे ना कि मैंने दो घंटे पढ़ना है समझ गई ठीक है ना तो छोड़ देना तो नहीं समझ आनी ठीक है तो वो थोड़ी सी